दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा का नाम सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाया हुआ है, और हो भी क्यों ना, उन्होंने इस साल के ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों ये गोल्ड मेडल इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो उनके लिए इनामों की एक झड़ी सी लग गई। जी हाँ, और वो सारे इनाम मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, हरियाणा सरकार ने दिए 6 करोड़ रुपए और साथ ही साथ ए ग्रेड की नौकरी। नंबर दो, पंजाब सरकार ने दिए 2 करोड़ रुपए। नंबर तीन, मणिपुर सरकार ने दिए 1 करोड़ रुपए। नंबर चार, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ बोर्ड ने भी 1 करोड़ रुपए दिया। नंबर पाँच, CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स जो कि IPL खेलने वाली एक टीम है, उसने भी 1 करोड़ रुपए दिए और साथ ही साथ 8758 नंबर की जर्सी भी दी। नंबर छः, रेलवे। दोस्तों रेलवे ने भी नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए का उपहार दिया। नंबर सात, महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा जो कि कार बनाने वाली कंपनी है, उसने नीरज चोपड़ा को एक SUV 700 गिफ्ट किया। नंबर आठ, इंडिगो एयरलाइन। दोस्तों इंडिगो एयरलाइन का नाम आप सब जानते होंगे, लेकिन इंडिगो एयरलाइन ने एक बहुत ही खास उपहार नीरज चोपड़ा को दिया और वो है 1 साल तक के लिए फ्री हवाई यात्रा। और लास्ट में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी पीछे नहीं रहा और उसने भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पे 75 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो दोस्तों ये थे वो सारे इनाम जो इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में मिले हैं। हालांकि दोस्तों ये सब नीरज चोपड़ा की मेहनत का ही फल है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि नीरज चोपड़ा आगे भी ऐसे गोल्ड मेडल्स जीतते रहेंगे और हमारे भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।